नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ट्यूब चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, सबसे जल्दी नई नई अपडेट और वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बैलगाड़ी कैसे चलाते हैं। आज ज़रा खेत साइड आए थे तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो बैलगाड़ी चलाने के लिए कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, वैसे फिर भी ये डोलना कहलाते हैं जो हाथ में पकड़ रखे, ये दोनों ही बैलों को नाथों से जुड़े होते हैं। बैलगाड़ी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये हाकनी, हाकनी कहलाती है। इसका यूज ऐसे मारने के लिए करते हैं और अगर रोकना है तो ये डोलना खींच ले। और गाड़ी को रोकने या मोड़ने के लिए जिस साइड आपको मोड़ना है उस साइड का ऐसा डोलना खींच लें। बैल इतने समझदार हो जाते हैं कुछ टाइम जुतने के बाद कि वो अपने आप उनके हिसाब से मुड़ जाते हैं। वैसे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती डोलना खींचने की, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा पुल करेंगे तो अपने आप वो अपने हिसाब से मुड़ जाते हैं। और इसके बाद बैलगाड़ी का थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाएंगे, और बैलों के बारे में भी बताऊंगा कौन कौन से बैल हैं, कहां से लाए हैं, कहां मिलते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मुड़ी चका, ये बैल है जो सिंगा जी के मेले से लेकर आए थे, खंडवा के पास है जो सिंगा जी महाराज जहाँ मेला भराता है, ये बैल वहाँ से लेकर आए थे। 2013 में लाया था ये बैल। अब ये ज़्यादातर भारवाही सामान ढोने के काम आता है। ये देसी नस्ल का बैल है जो मध्य प्रदेश में आसानी से मिल जाता है, इनमें ज़्यादा कोई वैरायटीज़ नहीं होती, कई बार मिक्स भी मिल जाते हैं। इसकी हाइट थोड़ी कम है, मतलब ये देसी है। इसकी जो चेहरे की बनोक होती है वो इस प्रकार की होती है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये देसी बैल है। इसके बाद ये बैल है, ये बैल हमारे होशंगाबाद ज़िले के पथरई गांव का है, जहाँ ये भी देसी बैल है। इसे 2015 में लेकर आए थे। इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, पता नहीं कोई परेशानी है क्या है, खाता नहीं है ठीक से। तो ये बैल है, और जहाँ तक मैं बता दूँ कहाँ पर इन्हें आप ये आपको मिल सकते हैं, आप मध्य प्रदेश में किसी भी गाँव एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको कई सारे बैल। अगर आपको मालवा नस्ल के बैल चाहिए तो भोपाल के आसपास का एरिया है, वहाँ आपको अच्छी किस्म के दौड़ने वाले और भारवाही हर प्रकार के बैल मिल जाएंगे। इसके बाद आप उज्जैन साइड जाते हैं, खिलजीपुर हो गया, एक उसी एरिया में 2-4 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर मेले भराते हैं, और ये मेले भराते शरद पूर्णिमा, ये जो कुंवार की नवरात्रि आती है, जो नवरात्र आते हैं, एक जो अक्टूबर के समथिंग आते हैं, और एक जो अप्रैल में नवरात्रि आती है, उनकी पूर्णिमा पे जो मेले भराते हैं, उन दो महीनों में ये मेले ज़्यादा भराते हैं, जहाँ पे हमें बैल, गाय, भैंस इस प्रकार के जानवर
मिल सकते हैं, अच्छी से अच्छी नस्ल, अच्छी से अच्छी किस्म के जो प्योर मालवा होते हैं वो, मिक्स मालवा, और उसके बाद में जो दौड़ाने के लिए जो यूज़ में आता है, बैलगाड़ी दौड़ के लिए जिन बैलों का यूज़ किया जाता है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं, परचेज़ करा सकते हैं। तो वहाँ आसपास के कई गांवों के लोग आते हैं, किसान आते हैं, वो बैल ख़रीदने आते हैं, तो उनसे आप उनकी जानकारी भी ले सकते हैं कैसा है क्या है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आगे और सारी इसी प्रकार की जानकारी वाली बातें जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किन बारे में जानना चाहते हैं। बाकी शहरों के बारे में तो कई सारे लोग ब्लॉगिंग करते रहते हैं, आज मैंने सोचा कुछ गाँव के बारे में ब्लॉगिंग की जाए कि गांव में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, किस किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है। तो आज हमने बताया बैलगाड़ी कैसे चलाते हैं, आप बताइए कि आपको क्या जानना है, तो वैसे मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब प्लीज़।